हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो हम सीखेंगे एक्सेल में सम इफ्स फॉर्मूले का यूज़ करना चार कंडीशन के साथ, मतलब सम इफ फॉर्मूला हम चार कंडीशन के साथ कैसे लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे सम इफ फॉर्मूला का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप सम इफ्स फॉर्मूला दो कंडीशन के साथ कैसे लगा सकते हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सम इफ्स IFS दो चार कंडीशन के साथ कैसे लगा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पर एक डेटाबेस बना है जहाँ पर नेम, कोर्स, फीस, फीस डिपॉजिट डेट, मतलब यहाँ पर डेटे दिए हैं, फीस डिपॉजिट डेट कब कब जमा हुई, सिटी कौन सी सिटीज यहाँ पर हैं और बैच टाइम, मतलब किस बैचेस में आते हैं। मतलब यहाँ पर एक डेटाबेस बना है इंस्टीट्यूट का जहाँ पर बच्चों के नेम दिए हैं, नाम दिए, कोर्सेस में दिया है CCC, ओ लेवल, ए लेवल कोर्सेस यहाँ पर दिए और यहाँ पर फीसेस दिए, मतलब इन कोर्सिंग की फ़ीस यहाँ पर क्या है और फीस डिपॉजिट डेट, फीस कौन सी डेट में जमा हुई वो यहाँ पर दिया है और सिटी किस किस सिटी से है और बैच टाइमिंग। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं अनमेन में से चेक क्या करना है, कौन से चार कंडीशन चेक करना है। पहली कंडीशन हमें क्या चेक करना है, कोर्स, दूसरा फीस डिपॉजिट डेट, तीसरा सिटी और बैच टाइमिंग। मतलब जब इन चारों कंडीशन से मैच हो तभी यहाँ पर हमें टोटल फीस दिखाए। जैसे यहाँ कोर्स पे आते हैं तो एक कोर्स यहाँ पर क्या दिया है, CCC, फीस डिपॉजिट डेट 8/9/2019 डेट हो गई और सिटी लखनऊ और बैच टाइमिंग 8/9। मतलब अगर हमें यहाँ पर टोटल फीस लाना है तो जब इन चारों कंडीशन से मैच होगा तभी यहाँ पर टोटल फीस में आंसर आएगा। जब हमारे CCC कोर्स से मैच होगा और फीस डिपॉजिट डेट से मैच होगा, सिटी से और बैच टाइमिंग, इन चारों कंडीशन से मैच करेगा तो यहाँ पर टोटल फीस का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सम इफ फॉर्मूला लगाते कैसे। इक्वल साइन यहाँ पर लिखना है सम इफ्स और ब्रैकेट लगाना है। जैसे आप ब्रैकेट लगाते हो तो यहाँ पर क्या आता है, सम रेंज क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1। मतलब इसी तरह में आप बहुत सारे क्राइटेरिया दे सकते हो जितनी भी कंडीशन है। हमने तो यहाँ पर चार कंडीशन रखी, आप चाहो तो चार से ज़्यादा कंडीशन भी यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं सम रेंज। अब सम रेंज हमारी यहाँ पर क्या है, मतलब आपको सम क्या करना है, हमें क्या सम करना है, यहाँ पर फीसेस सम करना है। तो हमें किस पे जाना है, फीस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गई हमारी सम रेंज कि हमें यहाँ पर फीस सम करना है। फिर यहाँ पर आते हैं कॉमा लगाया, कॉमा के बाद यहाँ पर आता है क्राइटेरिया रेंज, मतलब इनमें से कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आपकी कौन सी है। तो पहली कंडीशन हमारी कौन सी, यहाँ पर कोर्स हमारा सबसे पहला दिया है तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हो गई, ये कोर्स हमारा हो गया। तो ये कोर्स वाला पूरा कॉलम हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर क्या आता है क्राइटेरिया वन, मतलब यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, क्या चेक करना है। ये तो हो गया हमारा कोर्स हो गया, अब कोर्स में भी आपको क्या चेक करना है। जैसे यहाँ कोर्सेज में CCC भी दिया है, ओ लेवल भी दिया, ए लेवल भी दिया, इन कोर्सेज में आपको क्या चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर CCC चेक करना है। फिर कॉमा लगाया, ये हमारी एक कंडीशन। फिर यहाँ पे आ गया क्राइटेरिया टू, मतलब दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या है, फीस डिपॉजिट डेट। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर फीस डिपॉजिट डेट देखना है। तो ये वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है। अब इन डेटों में से आपको कौन सी डेट का देखना है, तो हमें कौन सी डेट का देखना है, 8/9/2019। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 3, मतलब तीसरी कंडीशन यहाँ पर कौन सी है, तो तीसरी कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या है, सिटी। हमें क्या देखना है, सिटी चेक करना है। तो यहाँ पर सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है। अब इन सिटी में आपको कौन सी सिटी देखना है, तो सिटी में हमें कौन सी सिटी देखना है, यहाँ पर लखनऊ सिटी से होना चाहिए। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर क्या पूछ, क्राइटेरिया रेंज 4, मतलब अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, तो हमें क्राइटेरिया रेंज 4 क्या है, ये हमारी बैच टाइमिंग हमें देखना है। अब बैच टाइमिंग वाला हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाना है। अब इन बैच टाइमिंग में आपसे कौन सा बैच टाइमिंग देखना है, हमें कौन सा देखना है, 8/9, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया 10,000, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर, ये हमारा CCC कोर्स 8/9/2019 लखनऊ और 8/9, तो एक हमारी ये फीसेस यहाँ पे हो गई इसे यहाँ पर। फिर दोबारा से आते हैं और हम यहाँ पर देखें दूसरा CCC हमारा कहाँ पर दिए, ये हमारा यहाँ पर CCC दिया है, ये भी हमारी सेम टाइमिंग है। मतलब इनमें ये चारों कंडीशन हमारी मैच हो रही है, यहाँ पर हमारा CCC भी मैच हो रहा है, फीस डिपॉजिट डेट, लखनऊ और सिटी। आप देख सकते हो जहाँ पर हमारा मैच नहीं हुआ वो आंसर हमारा यहाँ पर नहीं आया। जैसे यहाँ पर भी CCC दिया है, डेट भी सेम है और
टाइमिंग भी सेम है पर यहाँ पर क्या नहीं सेम है, सिटी नहीं सेम है। सिटी यहाँ पर कौन सी दी है, वो बाराबंकी दी है, मतलब एरिया हमारा बाराबंकी दिया। और यहाँ पर हमने क्या चेक किया था, लखनऊ, तो वहाँ पर चारों कंडीशन में एक कंडीशन हमारी मैच नहीं हुई, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं आया। जो आंसर हमारा आया खाली इन दो को हमारा है, 5,000 ये और 5,000 ये, इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो 10,000 आया। अब मान लो यही आंसर आपको, मतलब आपको इन सब पे चाहो तो आप लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर हमें देखना है 9 तारीख का और कानपुर का 8 से 9, फिर यहाँ पर 12 बनकी, तो आप चाहो तो इन सेल पर जाकर लगा सकते हो, या आप चाहो तो इसे ड्रैग भी कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, क्लिक करना है, और ड्रैग करने से पहले आपको एक काम यहाँ पर करना होगा, आपको सेल लॉक कर देना होगा। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि सेल लॉक करने से हमारा क्या फ़ायदा है, सेल लॉक करने से क्या होगा, वो सेल हमारी नीचे आएगी, नीचे नहीं आएगी, मतलब रेंज हमारी वहाँ पर लॉक हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये रेंज लॉक कर देना है। रेंज लॉक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, मतलब जितनी भी रेंजें हैं सिर्फ वो लॉक करना है। F4 बटन अपने फंक्शन की से प्रेस करना है कीबोर्ड से, ये हमारी रेंज यहाँ पर हो गई। मतलब जहाँ जहाँ क्राइटेरिया दिया है वो आपको नहीं रेंज लॉक करना है, खाली आपको रेंज लॉक करना है। जैसे पहला क्राइटेरिया हमारा कौन सा था, CCC, दूसरा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर कौन सा था, डिपॉजिट डेट, और तीसरा क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे क्या था, बैच टाइमिंग, वो हमने नहीं लॉक किया, और चौथा क्राइटेरिया हमारे यहाँ पर कौन सा था, सिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर ही, मतलब तीसरा हमारा कौन सा था, सिटी, और लास्ट हमारा क्या था यहाँ पर, बैच टाइमिंग। तो ये सारी यहाँ पर लॉक कर देना है, रेंज हमें लॉक कर देना है और फिर एंटर कर देना है, और फिर इसे यहाँ पे जाना है। इस तरह में आपका ब्लैक कलर का इस तरह में कर्सर प्लस का साइन बन के आएगा, और इसे ड्रैग करना है। इस तरह आप पूरा डेटाबेस यहाँ पर निकाल सकते हो, मतलब सब पर सम इफ फार्मूला, सम इफ्स फार्मूला लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप 4 कंडीशन या 4 से ज़्यादा कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में एक्सेल से जुड़े कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देख लें, और इसी तरह एक्सेल के हम और वीडियोस बनाते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।